तो आज बात करते हैं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की। वो आने वाली है 17 मार्च को रिलीज होने वाली है, बट इसकी उतनी हाइप दिख नहीं रही है जितनी होनी चाहिए एक डीसी मूवी के लिए, और उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला जो मेरे को समझ में आता है, पहला तो इतनी उठापटक हो गई है डीसी के अंदर, अब जेम्स गन भाई साहब आ गए हैं, वो अपना यूनिवर्स बनाएंगे। तो रिबूट है ना डीसी में, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, कई बार हुआ है, कई बार प्लानिंग सुनी है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, बड़े बड़े लोग बदले जाते हैं बट डीसी नहीं बदलता। बट अपने को क्या, स्टूडियो का मन, स्टूडियो का पैसा, जो मर्जी चाहे करें। तो हम बात करते हैं शज़ाम की। तो अभी शज़ाम जो प्ले कर रहे हैं ज़ैकरी लीवाई, इस बंदे से पहले दो और लोगों ने शज़ाम को प्ले किया है, क्या आप जानते हो? तो पहला था 1941 के अंदर, बट तब शज़ाम शज़ाम नहीं था, कैप्टन मार्वल था। हाँ जी, कैप्टन मार्वल के नाम से, बट तब भी वो अपनी जो पावर एक्टिवेट करता था वो शज़ाम बोल के ही करता था। तो आप जाके देख सकते हो 1941 के अंदर वो सीरीज थी, 12 एपिसोड्स की सीरीज है, एक लिमिटेड सीरीज। उसमें जो शज़ाम प्ले किया है वो किया है एक्टर टॉम टाइलर ने, जो आप में से कोई नहीं जानता होगा, मैं भी नहीं जानता था। तो जो मैंने सीरीज देखी वो काफी डिसेंट थी, 12 एपिसोड थे, ठीक ठाक थे, आप जाके देख सकते हो। फिर 1974 के अंदर एक और सीरीज आई थी लाइव एक्शन, मैं कोई भी एनिमेटेड सीरीज या मूवीज नहीं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो लाइव एक्शन एक और आया था 1974 में, जहाँ पे शज़ाम को प्ले किया था माइकल ग्रे ने, और वहाँ पे शज़ाम का नाम शज़ाम ही था, आप जाके देख सकते हो अगर आप बहुत डाई हार्ट फैन हो शज़ाम के। दोनों के अंदर ओरिजिन थोड़े से अलग है, तो अगर आप 17 मार्च तक नहीं रुक सकते और कुछ ना कुछ आपको देखना है शज़ाम से रिलेटेड, तो आप वो जाके देख सकते हो। बट मेरे ओपिनियन में उतने अच्छे स्पेशल इफेक्ट नहीं है, बट स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ नया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलता हूँ। सो सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।